श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज पेशावर के यूट्यूब चैनल में कक्षा 12 के सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट कहानी सुप्रसिद्ध कहानीकार फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित है। इस कहानी में कथाकार फणेश्वर नाथ रेणु ने ग्रामीण अंचल का एक मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। पंचलाइट की खरीदारी। गांव में सभी लोग रहते हैं, अपनी अपनी टोली बना करके एक समुदाय में रहते हैं। उसी टोली में एक महतो टोली है। महतो टोली में छोटे मोटे झगड़ों में दंड के रूप में अर्थ दंड लगाया जाता था। 15 महीने के अंदर उसमें कुछ पैसे इकट्ठा किए गए थे। सामने रामनवमी का त्यौहार था। रामनवमी के मेले में सभी लोगों ने निर्णय लिया कि टोली के लिए पंचलाइट खरीद कर लाया जाए। इस निर्णय से सभी लोग सहमत हो गए। पंचलाइट जलाने की समस्या। पंचलाइट तो खरीद करके आ गई। पंचलाइट आने से जितने टोले के छोटे बच्चे बुजुर्ग नौजवान थे वह उत्साहित थे, लेकिन टोली के अंदर पेट्रोमैक्स पंचलाइट कोई जलाने नहीं जानता था। यह बहुत बड़ी समस्या थी। पंचलाइट तो आ गई, लेकिन वह जलाने की सबसे बड़ी समस्या थी, कोई जला नहीं पा रहा था। और दूसरे टोली के राजपूत थे, वह जो इससे इनके न जलाने के कारण वह उससे हंस रहे थे, उनका उपहास कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन पंचों ने निर्णय लिया कि अब चाहे पंचलाइट जले और चाहे न जले, लेकिन हम लोग दूसरे टोली के लोगों से पंचलाइट नहीं जलाएंगे। अब तीसरी आईडी है टोली द्वारा दी गई सजा भुगत रहे गोधन की खोज। उसमें एक बात गुलरी काकी थी। गुलरी काकी की बेटी मुनरी थी। गोधन जो है उससे इश्क लड़ाता था, इसलिए पंचों ने उन्हें जो है हुक्का पानी बंद कर दिया था। हुक्का पानी बंद होने के कारण वह उन्हें बाहर कर दिया गया था। केवल वह गोधन ही पंचलाइट जलाना जानता था। वह मुनरी जो है उसकी अपनी सहेली कनेरी से कहरवा दिया था कि केवल गोधन ही जलाता है, इसलिए वह सरदार तक यह बात पहुंचाया जाए। अब गोधन द्वारा पंचलाइट को जलाना। सरदार द्वारा भेजे गए चौकीदार छड़ीदार की गोधन को बुला लिया जाए। गोधन को बुलाने छड़ीदार गया, लेकिन छड़ीदार नहीं आया, गोधन नहीं आया। और जब गुलरी काकी ने गोधन को बुलाने गई तो गोधन उनसे कहने पर आया, लेकिन पंचलाइट में तेल जलाया भरा गया। पंचलाइट में जलाने के लिए स्प्रिट की जब मांग हुई तो स्प्रिट न मिलने पर अपने दिमाग से गोधन ने गरी के तेल नारियल के तेल से उन्होंने पंचलाइट को जला दिया। जब पंचलाइट जल गई तो टोले के स्त्री पुरुष बच्चे सभी लोग जय जयकार करने लगे, उस रोशनी में कीर्तन करने लगे। लास्ट पॉइंट पंचों द्वारा गोधन को माफ करना। अब रह गई कि पंचों द्वारा जो सजा दी गई थी उससे गोधन के होशियारी से जलाने पर टोले के मान सम्मान रखने पर उनके जो दोस्त था उसको दोस्त पंचों ने माफ कर दिया। सरदार ने बुला करके गोधन से कहा कि तुम्हारे सातों खून माफ है, तुम सलीमा के गीत चाहे जितना हो सके उतना गाओ। और जो है गुलरी काकी ने गोधन को रात के भोजन पर निमंत्रित किया। और जब गोधन और मुनरी की आंखें चार हुई तो मुनरी लज्जावश अपनी आंखें नीचे झुका ली।